प्रवासी मजदूरों के सम्मानजनक जीवन के मकसद को लेकर कई राज्यों के 5100 किलोमीटर के पदयात्रा के लक्ष्य को लेकर निकले गुजरात के नरेश सेजापति आगरा पहुंचे। वो भारत अति प्रवासी मजदूर वाले राज्यों में पैदल यात्रा कर उन राज्यों में प्रवासी मजदूरों को करीब से जानना चाहते हैं। दरअसल नरेश ने बताया कि 150 दिनों में 100 राज्यों के लक्ष्य को लेकर वह अभी तक 81 दिनों में अभी तक 6 राज्यों के लगभग 23 किलोमीटर तक पदयात्रा कर चुके हैं। नरेश सेजापति ने बताया कि वह मुंबई से अपनी पदयात्रा शुरू कर गुजरात के 9 जिले, मध्य प्रदेश के 13 जिले, छत्तीसगढ़ के जंगल के साथ 5 जिले, झारखंड के 4 जिले होते हुए बिहार में प्रवेश किया था। नरेश बिहार के जिला के बाद अब आगरा पहुंचे हैं। पदयात्रा का उद्देश्य, नरेश सेजापति ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का सूची किसी राज्य के पास मौजूद नहीं रहती है। नरेश ने कहा कि मजदूर किस राज्य से मजदूरी करने किस राज्य में जा रहे हैं, इसकी सूची दोनों राज्यों में किसी राज्य के पास नहीं होती, जिससे ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेटिव घरानों के द्वारा ठेकेदारों से मिल प्रवासी मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को कंपनी द्वारा मिलने वाली सुविधा से वंचित होना पड़ता है। प्रवासी मजदूरों के लिए ज्यादातर राज्यों में प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारी योजना या सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। नरेश सेजापति ने बताया कि वह प्रवासी मजदूरों की सूची बनाना चाहते हैं और जिससे उनका कार्य करने वाली जगहों पर सारी सुविधा मिल सके और प्रवासी मजदूरों का शोषण बंद हो, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम नरेश सेजापति है। मैं भारत के 10 राज्यों में 100 जिलों में 51 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। पैदल यात्रा करने का क्या उद्देश्य है आपका? पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि प्रवासी मजदूर जो बड़े महानगरों में अपने आजीविका की खोज में जाते हैं, उनके साथ जो शोषण होता है, उनका हक अधिकार का जो हनन होता है, और हमारे सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की हक अधिकार या सरकारी योजनाएं प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं बनाई जाती है, उसके लिए मैं पूरा अभियान चला रहा हूँ। मैं भारत के लगभग 60 जिलों में घूम चुका हूँ और ये 7वां राज्य है। अभी मैं यहाँ से दिल्ली होते हुए हरियाणा होते हुए राजस्थान से गुजरात के होगा। अब मेन उद्देश्य क्या संदेश देना चाहते हो आप? तो जो प्रवासी मजदूर होते हैं उन लोगों के लिए कुछ सरकारी योजनाएँ बनाई जाएँ और उनके हक अधिकार सुरक्षित हो और उनके लिए स्पेशल एक अटेंशन मिले, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के ऊपर प्रवासी मजदूरों के लिए कोई राजनीति नहीं की जाती है। तो हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए भी राजनीति की जाए और प्रवासी मजदूरों के हक अधिकार जो है सुरक्षित रहे। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।